We were studying, हम सवेरे पढ़ रहे थे कैलिब और जोशुआ था और दूसरे 10 लीडर थे. प्रेज द लॉर्ड. जोशुआ और खालिब ने क्या उन चीजों पर विश्वास किया जो उनको दिखाई दे रहा था कि प्रभु के वचन पर विश्वास किया. प्रभु के वचन पर. तो कोई बोलेगा मैं सिर्फ जो दिखाई देता है उस पर मैं विश्वास करता हूं. आप में से किसी ने कभी लिफ्ट में गए हैं? लिफ्ट में नहीं. अगर आपको 10वां माला जाना है और आप बोलते हो मैं उसी पर विश्वास करता हूं जो मुझे दिखाई देता है, तो आप खड़े हो ग्राउंड फ्लोर पर. जाना है कौन से फ्लोर पर? 10वां माला. आपको ग्राउंड फ्लोर से 10वां माला दिखता है? नहीं दिखता है. लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता है आप कौन सा बटन दबाते हो? ग्राउंड फ्लोर. वेरी गुड. लेकिन 10वां तो दिखता नहीं है ना. बगैर दिखे लेकिन हमारी इच्छा है 10वें माले तक पहुंचना है. और इसीलिए हम कौन सा बटन दबाते हैं? जो दिखता है कि जिधर जाना है, जिधर दिखता है ग्राउंड फ्लोर, तो कौन सा बटन दबाओगे? जिधर जाना है. 10वां माला दिखता है नहीं, लेकिन जैसे ही दबा देते हो दरवाजा खुला रखकर, दरवाजा बंद कर कर जब बटन दबाते हो तो लिफ्ट जाता है और आपको 10वें माले पे रुक जाता है. उसी तरह हम जब वचन को लेते हो और चिंता का दरवाजा को बंद करते हो और वचन के अनुसार हमारे ओटो से बोलते हो, तो जैसा लिफ्ट आपको उस जगह पर ले जाता है उसी तरह पवित्र आत्मा भी हमको उस तरह ले जाता है, उस स्थान पर ले जाता है. सिर्फ हमको दरवाजा बंद करना है. किसका? चिंता का. लेकिन हमारा लिफ्ट कौन सा है? हमारा दरवाजा बंद है कि खुला है? हेलो, बंद है कि खुला है? अगले बार आप जब लिफ्ट में जाओगे दरवाजा खुला रखना और दबाते रहो बटन. और अगर दरवाजा बंद किया तो ग्राउंड फ्लोर दबाते रहो, क्योंकि वही दिखता है, वही महसूस होता है. और जब दरवाजा खुलता है आप किधर हो? 10वां माला कि ग्राउंड फ्लोर पर? यही हमारी क्रिश्चियन की जिंदगी है. हम बोलते तो हैं, हम विश्वास कर रहे हैं, लेकिन हमारे होठों से क्या बात निकलता है? विश्वास के बाद कि चिंता की बात. और जिनके मुंह से चिंता की बात हमेशा आती है उनका जिंदगी किधर है? ग्राउंड फ्लोर पे के 10वां माले पे. और इतना साल हो गए, जो लोग उसके बाद आए 10वें माले तक पहुंच गए और ये 10 साल से प्रे ग्रुप में आ रहा है लेकिन इसका जिंदगी अभी भी ग्राउंड फ्लोर पे. क्यों ग्राउंड फ्लोर पे? पहला बात तो दरवाजा बंद ही नहीं किया. कौन सा दरवाजा? चिंता. दूसरा बात, वचन तो है ही नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है रिट्रीट आया तो मेरा काम हो गया. बाइबल में नहीं लिखा है रिट्रीट में आया तो काम हो गया. रिट्रीट में आया, जो सीखा उसको निभाया तो काम हो गया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. फिर आपके बाजू वाले को पूछना कौन सा बटन दबाता है, ग्राउंड फ्लोर कि 10वां माला? ग्राउंड फ्लोर मतलब जो महसूस हो रहा है, 10वां माला मतलब जो प्रभु ने वचन में कहा है. हमारे जिंदगी में कौन सा दबा रहे हैं? और जब लिफ्ट खुलता है ग्राउंड फ्लोर में होता है तो गुस्सा किस पे होता है? प्रभु पर. मैं इतने साल से आती हूँ, घुटने टेक कर रोक रोक कर प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे आंसू भी सूख गए. बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है प्रभु ने क्या तेरे आंसू ने तुझे ठीक किया है. लिखा है? अगर एक जगह पे लिखा होता तो सारे स्त्री लोग ठीक हो गए होते. देखो जी कितना तुरंत आ गया. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. तो अभी हमको ये देखना है, इतने सारे लाखों लोग थे इसराइली लोग,
ये लोग सब उस देश के वारिसदार थे, लेकिन उस लाखों लोगों के बीच में कितने लोग पहुंच गए? सिर्फ दो। कितने? तो इनका भविष्य किसने बंद कर दिया? हेलो, जब मैं स्वर्ग जाऊंगा मुझे एक आदमी से मिलना है, उसका नाम है ख्याले। क्यों मालूम है? जब प्रभु ने उसको बोला था जाके ओ जासूसी करके आ जाओ उस देश में, उसका उम्र था 40। उसने आके विश्वास का बात बोला, लेकिन उसके अंदर लोग जो थे वो विश्वासी ने किया अविश्वास, अविश्वास। इन लोगों के कारण उसको भी 45 साल घूमना पड़ा। लेकिन 45 साल के बाद जब वो उसी जगह पे पहुंचा जिसका नाम है खारेश बार्निया, ये खारेश बार्निया एक ऐसा जगह है जहां पर उनको फैसला करना था कि दो पर विश्वास रखे उनके संदेश पर कि 10 के ऊपर, और इसराइली लोगों ने उन 10 पर रखा और उन्होंने खुद फैसला किया, प्रभु के वचन को पीठ दिखाकर वापस चले। और जो उन्होंने कहा, उन्होंने गुस्से में क्या कहा, हम लोग यहाँ पे प्रभु ने मरने के लिए लाया, अच्छा होता हम लोग यहाँ पे मर गए होते। और प्रभु ने कहा जो तुम्हारे मुंह से जो लफ्ज निकले हैं उसी के अनुसार तुम्हारे जीवन में होगा, क्योंकि ये लोग ने खुद को श्राप दिया। प्रश्न ये है, जब जब हमारे जीवन में चिंता होती है, जब जब हमारे दिमाग पर प्रेशर आता है, तब हमारे मुंह से कौन से शब्द निकलते हैं? विश्वास के कि भयंकर शब्द निकलते हैं। कभी आपने अनुभव किया चिंता करके? नहीं किया, फिर कैसे मालूम? कभी किसी को गुस्सा आया है? जब गुस्सा आता है तो कौन सा शब्द बाहर निकलता है? प्रभु की शब्द, प्रेज द लॉर्ड। किसका शब्द निकलता है? आदमी लोग को तो हमेशा गुस्सा आता है, प्रेज गॉड। कौन सा शब्द निकलता है? विश्वास का, क्या डर का, अविश्वास का। और यही हुआ, उनके मुंह से वही शब्द निकले और वो लोग ने खुद बोला अच्छा था हम लोग मर गए होते। और जैसे वो लोग ने कहा वैसे ही प्रभु ने बोला। नंबर्स चैप्टर 14 क्वेश्चन नंबर 23, वे उस देश को नहीं देख सकेंगे जिसको जिसको प्रदान करने की शपथ मैंने उनके पूर्वजों से खाई थी। हाँ, मेरा तिरस्कार करने वाला, मेरा तिरस्कार करने वाला, हाँ, कोई भी व्यक्ति उस देश को नहीं देख सकेगा। हाँ, जो उन्होंने चिंता किया और चिंता करने के बाद गुड़गुड़ गुड़गुड़ किया। कभी किसी को गुस्सा आया कभी क्या आता है मुंह से? प्रभु की स्तुति, वेरी गुड। क्या आता है मुंह से? गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़। अभी वो जो गुड़गुड़ आता है वो गुड़गुड़ ने क्या किया? उनका भविष्य बदल दिया। भविष्य किस तरह ले गया? नाश की तरह। तो चिंता करना ओके है? हेलो। और उसके बाद, परंतु मैं अपने सेवक कालेब को जिसमें भिन्न आत्मा है और जिसने पूर्णता मेरा अनुसरण किया है उस देश में ले जाऊंगा। हाँ, कब प्रभु हमको उस देश में ले जाएगा? जब हम उनके वचन को मानते हैं, उसका वचन को निभाते हैं, उनके वचन के अनुसार बोलते हैं, तब प्रभु बोलता है मैं खुद तुझे उस देश ले जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो चिंता करने वाले का कुछ भविष्य है? आपके बाजू वाले को पूछना, लास्ट बार कभी चिंता किया था कितने साल पहले? हेलो हस्बैंड एंड वाइफ, हां, दैट्स व्हाई यू आर लुकिंग एट ईच अदर एंड लाफिंग, नॉट आस्किंग। यू आर नॉट आस्क, बट बोथ ऑफ यू आर लुकिंग एट ईच अदर एंड लाफिंग because you are all the time worried. Worry will destroy you. Worry Christi logon ke liye sabse illegal hai, shraap hai,
और शैतान ने जभी जभी हमारा नाश किया है, उसने कैसे नाश करता है, हमारे मन पर काबू करता है संदेश देकर। और जब जब शैतान को संदेश देता है वो सिर्फ झूठ बोलता है। शैतान का सबसे बड़ा शक्ति क्या है? झूठ। और झूठ ऐसे बोलना जिससे हम लोग उस झूठ को विश्वास कर सके। हालेलुया। 29 तुम्हारे शव इस निर्जन प्रदेश में पड़े रहेंगे, तुम्हारे वे सब पुरुष जिनकी गणना की गई थी जो 20 वर्ष के तथा इससे अधिक आयु के हैं, और जिन्होंने मेरे विरुद्ध बकबक की है। क्या मेरे विरुद्ध बकबक? हालेलुया। करते हम रोजरी प्रे ग्रुप वाले भी करते, वचन सुनने के बाद भी करते नहीं, होता नहीं है। हम प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करते, इसके लिए होता है। और यही हमको सीखना है, क्योंकि आज तक देखिए जितने लोग आते हैं मेरे लिए प्रार्थना करना बोलते हैं बराबर, लेकिन सच्ची बताइए क्या वो लोग विश्वास उगाते हैं? विश्वास कैसे उगाया जाता है? खेती खेती होती है ना, खेती तो विश्वास की खेती कैसी होती है? विश्वास की खेती कैसे उगाई जाती है? विश्वास कैसे आता है? इन इंग्लिश इन इंग्लिश हाउ डस फेथ कम? हियरिंग एंड हियरिंग, सब रॉन्ग है, ये लोग सब रॉन्ग है। हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड तो रॉन्ग है, हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। जो लोग सोचते हैं हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड बिल्कुल रॉन्ग है, लेकिन हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड, ये दोनों में फर्क क्या है? उसके द्वारा, वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा। लेकिन बाय क्यों बोल रहे हैं, द क्यों? वाई बाय वाई नॉट द? इंग्लिश में क्या बोलता है? हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड राइट, लेकिन बाइबल में द नहीं बोलता है। हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड, ये दोनों में फर्क क्या है? बाय कार्य करता है, द इज गिवन एक्शन। अच्छा अच्छा, अब मैं आपको नेगेटिव से समझाता हूं तो आपको पॉजिटिव समझना है। ब्रैंडन डॉक्टर है और मैं इसके पास चेकअप के लिए आया क्योंकि मेरे पेट में कुछ दर्द है। तो ब्रैंडन चेक करता है और ब्लड टेस्ट लेता है, ब्लड टेस्ट लेने के बाद उससे कुछ मिस्टेक होता है, किसी और का टेस्ट ट्यूब में चिपका देता है मेरा, और मेरा नाम उसके, तो रिपोर्ट मुझे किसका मिलेगा? उसका। और ये ब्रैंडन मेरे को रिपोर्ट देता है ब्लड कैंसर। क्या हकीकत में मुझे ब्लड कैंसर है? नहीं। जैसे ही वो मुझे कहता है ब्लड कैंसर, सबसे पहला मेरे अंदर क्या आएगा? आनंद आएगा, क्योंकि मैं घर जल्दी जा रहा हूँ। क्यों डराएगा? अगर उसने लिखा है रिपोर्ट में तुझे छापूखी हुआ है, क्या हुआ है? छापूखी। अब जब तक मुझे नहीं मालूम छापूखी क्या है, मैं बोले क्या है, क्योंकि मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जब उसका ज्ञान होगा तब डर लगेगा, सही है? तो कैंसर का ज्ञान है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। तो अब इसने मुझे बताया कि तुम्हारा लास्ट स्टेज है, 1.5 महीना बाकी है। मैं अभी उस क्लिनिक से बाहर निकल रहा हूं, क्या डॉक्टर ब्रैंडन मेरे साथ चल रहा है?
लेकिन क्या उसका शब्द मेरे साथ चल रहा है? उसने मुझे कितने बार कहा आप ब्लड कैंसर हुआ है? एक बार। ओ इन शब्द मैं कितने बार सुन रहा हूं? मैं हमको कैसे मालूम? अच्छा अब मेरे साथ कोई चल रहा है? नहीं, लेकिन मैं रो रहा हूं, इसका मतलब मेरे साथ कोई तो भी बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? वो शब्द। अब मैं फोन करता हूं मेरी मम्मी को, हंसते हंसते बात करूंगा कि रोते रोते बात करूंगा? तो अब मैं किसका शब्द बोलूंगा? डॉक्टर का। जो कोई मुझे मिलता है मैं उसको बोले मेरे लिए प्रार्थना करना, किसका शब्द बोलूंगा? तो अब मेरे को एक हफ्ते के बाद मेरी परिस्थिति कैसी रहेगी? मजबूत की कमजोर? अब मुझे हकीकत में ब्लड कैंसर है, लेकिन ये शब्द मैं बार बार सुन रहा था। अब ये शब्द कैसे सुन रहा था? बाहर से अंदर के अंदर से बाहर। अभी जो आप मैं जो बोल रहा हूं आप लोग सुन रहे हैं, वो कैसे सुन रहे हैं? बाहर से अंदर। लेकिन मैं ब्रंदन का शब्द कैसे सुन रहा है? अंदर के अंदर से बाहर। इसी तरह जब मैं बाइबल पढ़ता हूं और जिस तरह से डर मेरे से बार बार बात कर रहा है, उसी तरह प्रभु का वचन मेरे से बार बार बात करता है, तब तब विश्वास में उगा रहा हूं। अगर मैं सिर्फ बोल रहा है प्रभु यीशु के घाव से मैं चंगा हो गया, प्रभु यीशु के घाव से मैं चंगा हुआ, अभी तक मैंने आवाज सुना ही नहीं, अभी तक जो मैं बोल रहा है बाहर से अंदर बात कर रहा है। जिस तरह से डॉक्टर का शब्द मेरे से बात करता है, उसी तरह से मेरी भावना कौन सी होती है? पॉजिटिव की नेगेटिव? डॉक्टर के शब्द से पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव? नेगेटिव। इसी तरह प्रभु के वचन से जब मेरी भावना हिम्मत में बदलती है, शक्ति में बदलती है, कॉन्फिडेंस में बदलती है, तब मैं एक किसान हूं जो विश्वास उगा रहा हूं। अभी सच्ची सच्ची बोलिए कि हम विश्वास उगा रहे कि डर उगा रहे रोज? तो जो लोग आ रहे हैं भाई मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे को पहला पूछना है तू क्या उगा रहा है? तेरी खेती कौन सी है? हेलो, तेरी खेती कौन सी है? विश्वास की कि डर की? और अगर विश्वास की है तो किसी को मांगने का क्या जरूरत है प्रार्थना का? विश्वास अपने ही विश्वास से पार या हिला दे सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम हमारे खुद के प्रार्थना में विश्वास नहीं करते, और अगर हम हमारे प्रार्थना में विश्वास करते वो विश्वास काफी है पहाड़ को हिलाने के लिए। और वो विश्वास हम कैसे कर सकते हैं? प्रभु के वचनों पर। अरे सच बताइए, पूछिए अपने आप से, मैं कौन सी खेती उगा रहा हूं रोज? और जो वचन सुनता ही नहीं है उसके अंदर विश्वास है ही नहीं। अभी काफी लोग इधर बैठे रहेंगे जिनको कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में समस्या नहीं होगी, अवश्य होगी। अभी आपके पास कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है? क्योंकि जिस दिन प्रॉब्लम होगा उस दिन आप ऑलरेडी सीख गए उसके ऊपर आक्रमण कैसे करना। कौन सा सोल्जर सीख सकता है घायल होने के पहले या घायल होने के बाद? लेकिन हम क्रिश्चियन लोग कैसे पूरा खून फूट के लास्ट में जा रहे तभी पूछ रहे हैं, ए विश्वास का बंदूक पकड़ने सिखाएगा क्या? एक पैर कबर में एक पैर रफार है, ए मेरे को सिखा ना विश्वास कैसे चलाना। पूरा जिंदगी मरा था तब क्या कर रहा था? घर घर की काली सास भी कभी बहुत थी। अभी कबर में पूछने के बाद प्रभु तू कहां है? हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी कौन सी खेती उगानी है? और विश्वास की खेती कब उगती है? वचन को सुनना है, बाहर से नहीं अंदर से। और जो अंदर से सुनता है, बार बार सुनता है, बार बार सुनता है, वो विश्वास को उगाता है और वो विश्वास उसके जीवन में कार्य करता है। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। तो ये लोग क्या उगा रहे थे?
दस लोग, और लोगों के अंदर क्या उग रहा था? तो पूरा इजरायली लोगों के अंदर क्या उग रहा था? और कैलिब और जोशुआ क्या कर रहे थे? विश्वास से बात। अभी अभी मुझे एक प्रश्न पूछना, पूरा लाखों लोग पीछे जाने के लिए तैयार है और कैलिब और जोशुआ खाली दो ही लोग बोलते चल जाएंगे, ऐसे स्थिति पे क्या विश्वास रखना आसान है? जो हर एक लोग बोलता है नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं? क्या हमारा विश्वास है सर? तो विश्वास उगाने के लिए लेबर है, मेहनत करना है। क्या कोई आके आपके सर पे हाथ रखेगा और बोलेगा विश्वास बढ़ने दो? बढ़ता है? तो कोई आता है और बोलते है मेरे लिए प्रार्थना करना, लेकिन वो खुद विश्वास नहीं बढ़ा रहा है, कुछ होगा? दिखा रहा हूं मैं फिलिपींस चैप्टर 1। इसके लिए जब कोई बोलता है ना मेरे लिए प्रार्थना करना और वचन नहीं सुनता है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। और खास करके विलियम राइट, सुना आपने? फिलिपींस चैप्टर 1:15, कुछ लोग तो ईर्ष्या एवं श्रद्धा से ऐसा करते हैं, और कुछ लोग सद्भाव से मसीहा का प्रचार करते हैं। तो कुछ लोग अच्छे हृदय से प्रवचन करते हैं, कुछ लोग स्वार्थ और ईर्ष्या, फिर ये लोग प्रेम से प्रेरित होकर ऐसा करते हैं। ये जानते हैं कि मैं शुभ समाचार की रक्षा के कारण कैदी हूँ। हाँ, पॉल अभी किधर है? जेल में है, और कुछ लोग पॉल का दुश्मन है, उससे नफरत करते हैं। तो कुछ लोग जानबूझ के प्रवचन करते हैं, इसलिए क्योंकि जितना वो प्रवचन करेगा उतना पॉल को जेल में और फटके खाएंगे। क्योंकि एक लीडर को अंदर डाला है और छेले लोग और जाके लफड़ा कर रहा है, तो इसके ऊपर और बजाएंगे ना आपके लोग हैं, एक वो है और एक लोग ऐसे हैं, वो लोग देखते हैं कि पॉल जो लीडर है वो अंदर गया है। क्यों भाई? प्रभु के वचनों के कारण। तो बोलता है अगर पॉल अंदर गया है तो क्या हो गया, हम प्रभु के वचनों को और सुनाएंगे। तो कुछ लोग प्रेम के वजह से करते हैं, कुछ लोग गुस्से से स्ट्राइक से करते हैं। फिर किंतु वे दूसरे लोग प्रतिस्पर्धा से प्रेरित होकर शुद्ध उद्देश्य से मसीहा का प्रचार नहीं करते। क्यों? वे समझते हैं कि वे इस प्रकार मेरी कैद को और भारी बना देंगे। फिर लेकिन इससे क्या? लेकिन इससे क्या? बहाने से हो या सच्चाई से? क्या क्या? बहाने से हो या सच्चाई से? चाहे जिस प्रकार हो मसीहा का प्रचार तो हो रहा है। तो कोई पैसे के लिए कर रहा है, कोई नाम कमाने कर रहा है, कोई इसके लिए कर रहा है, कोई उसके लिए किया, उससे मुझे क्या? मसीह का जब तक प्रवचन होता है मैं आनंदित हूं। आप पढ़िए। कहानी से हो या सच्चाई से, चाहे जिस प्रकार हो, मसीहा का प्रचार तो हो रहा है। मैं इसी से आनंदित हूँ और मैं आनंद मनाता ही रहूंगा। कोई प्रोटेस्टेंट प्रीच कर रहा है, कोई कैथलिक प्रीच कर रहा है, कोई हिंदू प्रीच कर रहा है, कोई मुस्लिम प्रीच कर रहा है, जो भी कोई प्रीच कर रहा है प्रभु यीशु के बारे में बोल रहा है, मैं इस पर क्या आनंद। और हम लोग क्या है? कौन वो प्रोटेस्टेंट है? क्योंकि प्रोटेस्टेंट का जो जीसस है ना उसका आप ब्लू है, हमारा प्रभु का यीशु का आप ब्राउन है। और जो प्रोटेस्टेंट लोग का जीसस का बाल है ना खंधे तक है, हमारा तो कमर तक है। क्या यीशु अलग है? जिसके अंदर पवित्र आत्मा होता है ना वो किसी को देखता नहीं है, उसके ध्यान में एक ही रहता है, भले भिखारी हो, चोर हो,
जो भी हो उसका जब जिंदगी बदल गया और वो प्रभु यीशु का प्रवचन करता है वो आनंदित होता है। वो कभी ये नहीं देखता है वो कौन है, वो यही देखता है कि प्रभु का वचन प्रवचन करके कितने लोगों का जिंदगी बच जाता है। तो अब पॉल क्या बोलता है, मैं जेल में दुखी हूं कि आनंदित हूं। तो पॉल को जेल में और फटके खाता है, तो वो आनंदित है कि दुखी है? आनंदित है। फिर क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी प्रार्थनाओं और धीरे धीरे आपकी प्रार्थनाओं और यीशु मसीह की आत्मा की और यीशु मसीह की आत्मा की सहायता द्वारा इन सब बातों का परिणाम यह होगा कि मैं मुक्त हो जाऊंगा। हाँ, मैं कब मुक्त हो जाऊंगा? जब आपकी प्रार्थना और प्रभु यीशु का आत्मा ये दोनों मेरे जीवन में कार्य करता है तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन मुझे मुक्त होने के पहले क्या करना है? आनंदित होना है। अभी कितने लोग आते हैं जो बोलते हैं प्रार्थना कर मेरे लिए आनंदित है कि दुखी है? तो अगर आप दुखी है आनंदित नहीं है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं क्या प्रभु यीशु का आत्मा कार्य करेगा? वापस पढ़िए और दो वचन वापस पढ़िए, 18 और 19। लेकिन इससे क्या बहाने से हो या सच्चाई से चाहे जिस प्रकार हो मसीहा का प्रचार तो हो रहा है। मैं इसी से आनंदित हूँ। मैं जेल में हूँ, मुझे मार डालने वाले हैं, मुझे वो लोग तड़पा के मारने वाले हैं, उससे क्या? लेकिन मेरे को ये तो समाचार आ रहा है कि प्रभु का प्रवचन हो रहा है, प्रभु का राज्य बढ़ रहा है, तो मैं उसमें आनंदित हूँ और मैं आनंदित हूँ। जब प्रार्थना होता है, जब प्रार्थना समाप्त होता है और घर जाता है, फिर मैं वापस दुखी होता हूँ। आनंदित रहना है कि दुखी में रहना? आनंदित। और उसके बाद क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी प्रार्थनाओं और यीशु मसीह के आत्मा को सहायता द्वारा इन सब बातों का परिणाम क्या होगा? यह होगा कि मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो तीन चीज की जरूरत है। सबसे पहले मैं आनंदित होना जरूरी है। तो कोई मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है और मैं दुखी है, क्या वो प्रार्थना होएगा, काम होएगा? हेलो, तो जब कोई आता है वचन सुना ही नहीं है, लास्ट में आता है और बोलता है मेरे लिए प्रार्थना कर, हो सकता वो खाली क्या हमें लोगों को खुश करने के लिए मैंने तेरे लिए प्रार्थना की, जा कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया। आमीन। तो क्या आवश्यक है? आनंदित होना। और आनंदित किस पे होता है? जब मेरा ध्यान मेरे समस्या पर नहीं है, मेरा ध्यान प्रभु की मसीह के ऊपर है, तब आनंदित होता है। और वो आनंदित में भले कितनी भी मुसीबत हो और आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो, मुझे 100% गारंटी है इस आनंदित के द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा और प्रभु यीशु के आत्मा के द्वारा मेरा मुक्ति अवश्य होने वाला है। हालेलुया। इसके लिए जब कोई आता है मेरे पास प्रार्थना करने के लिए, सबसे पहला देखता है आनंदित है कि दुखी है। और जब लास्ट में कोई आता है, लास्ट में मैं शारजा में था चर्च में, प्रवचन खत्म हो गया, सब लोग का चंगाई विंगाई हो गया, हम लोग लास्ट सॉन्ग गा रहे थे, आप खोला तो एक आदमी एक औरत को व्हील चेयर पे लेके आया और बोलता इसके ऊपर प्रार्थना कर। मैं बोला मैं प्रार्थना नहीं करूंगा,
जब तक उसको सच्चाई समझेगा नहीं तब तक उसको आनंद आएगा? हेलो, आनंद आएगा? तो मैंने उनको पूछा, आपको क्या विश्वास है? वो बोलने लगे, मैं जानती हूँ प्रभु यीशु मुझे जरूर ठीक करेंगे। तो मैंने कहा, ये अगर आपका विश्वास है तो आप वापस घर पे जाओ, आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाए। क्या ये प्रभु वचन, प्रभु के वचन के अनुसार है? प्रभु का वचन कहता है कि उनके घाव से वो ठीक हो गई है। अब ये उनको विश्वास करना है पहले कि मैं ठीक हो गई हूं, और फिर वो शक्ति बहती है। तो उनको मैंने चार बार समझाया, चार बार उसका उत्तर यही था, मैं जानती हूँ प्रभु यीशु मेरे को चंगाई देने वाला है। और लोग भी बोल रहे थे, नहीं नहीं नहीं, तू चंगाई हो गई है, हो गई है। मैंने कहा, आप उत्तर तो दे सकती है, तो भी दे सकती है, लेकिन जब तक उसको वो सत्य समझेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। पांचवी बार वापस समझाया, वापस प्रश्न पूछा। अब लोगों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जो प्रोजेक्टर पे था ना, उसने वचन को लगा के अंडरलाइन करके कलर मार के बता रहा है। छठे बार उस औरत को समझ में आया, और जब उसको समझ में आया, मैंने उसको बोला, अगर तू चंगी हो गई है तो व्हीलचेयर पे क्या कर रही है? तो भी बोलने लगी, हाँ मैं चंगी हो गई है तो मैं व्हीलचेयर पे क्या कर रही हूँ? तो खड़ी हो गई और सीधा चल के निकल गई और व्हीलचेयर को धक्का मार के घर ले गई। मैंने कितने बार देखा है, कितने बार, जब तक सत्य नहीं समझ में आता है, मैं मेहनत करूंगा करूंगा करूंगा, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। कल भी हम लोग गए थे रात को, हमारी मम्मी है यहाँ पर, आंटी है, उनको एथराइटिस हुआ है। आवाज बड़ा था क्या? हाँ थोड़ा बड़ा था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम साइलेंसर लगा दिया। हालेलुया। तो उनके साथ हमने 3 घंटा निकाला, वचन समझाया, और समझाने के बाद हमने कहा, अभी आपको क्या सोचना? तो बोली, मैं ठीक हो गई। तो मैंने कहा, आप अगर ठीक हो गई है तो पलंग पे क्या करेंगे? 1 साल के बाद वो पलंग से बाहर निकली बगैर छड़ी लेके चलने लगी। कल रात को ही हुआ। सत्य हमको मुक्ति देता है, विश्वास हमको सारे बीमारी से विजय देता है। आप कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपको विजय दे? सबको बैड न्यूज है, प्रभु हमको विजय नहीं देता। बताता हूं, 1 जॉन चैप्टर, हम सब गलत सीखे, क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर विजय प्राप्त करता है। वह संसार पर विजय प्राप्त करता है। वह विजय जो संसार को परास्त करती है, हमारा ईश्वर है। तो आपको विजय कौन देता है? विश्वास। आप प्रार्थना क्या करते हैं? तो अभी तक जितना युद्ध हार गया, वो कौन, किस लिए हार गए? क्योंकि हमारा विश्वास धर्मा का है, इसके लिए हम हार गए। हेलो, सुन रहे आप? तो हमारे जीवन में हमको विजय कौन देता है? हमारा विश्वास। और वो विश्वास कहाँ से मिलता है? प्रभु के वचनों से। तो अगर हम खेती नहीं उगाएंगे, तो जब जिस दिन हमारे पर शैतान आक्रमण करेगा और हमारे पास विश्वास नहीं है, तो उस आक्रमण में हम जरूर हार जाएंगे। लेकिन पहले से ही विश्वास की खेती हम उगा रहे हैं, और अब शैतान हम पर आक्रमण करता है, तो इस विश्वास को लेकर हम संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जोशुआ 14:6 पढ़े।
यहूदा कुल के लोग गिलगाल में यहोशुआ के पास आए। यपुन्ने के पुत्र और कनिजी गोत्र के कालेब ने उससे कहा, कालेब ने यहोशुआ से कहा, जो बातें प्रभु ने मेरे और तुम्हारे संबंध में अपने सेवक मूसा से कादेश बने नगर में की थी उन्हें तुम जानते हो। जब प्रभु के सेवक मूसा ने इस देश का भेद लेने के लिए मुझे कादेश बर्ने से भेजा था। हालेलुया। देखिए, जब लोग फैसला कर रहे थे कौन से देश कौन से जगह पे, कादेश बार्निया, वहां पर क्या फैसला कर रहे थे, उस देश में जाना है कि पीछे जाना है। सब लोग ने बोला हमको वापस पीछे जाना है। कालेब ने क्या कहा, हम अभी जाएंगे उस देश पर आक्रमण करेंगे, उस राक्षसों पर आक्रमण करेंगे और उस देश को लेंगे, बराबर है। उस समय परमेश्वर ने मोसेस से कहा, कैलेब से कहना कि ये जो जगह है ये मैंने उसके नाम कर दिया है। अभी तो कितने साल पहले की बात है, 45 साल पहले की बात है, जब कैलेब का उम्र क्या था, 40। अब उसका उम्र क्या है, यहां पे 80 वर्ष का कोई है, 70, यो 70 सिस्टर, अब 70 है, 70, अभी और 15 साल आपको बाकी है। अभी आप सोचिए, आप 85 है, 45 साल तक आप उस विश्वास को पकड़ के रख सकते हैं। आपका उम्र हो गया 85, अब आपके बदन में वो ताकत है जो 40 की उम्र में थी। अच्छा, अभी आपकी सेमी कौन है मन में, जो 40 साल में ये लोग रेगिस्तान में घूम रहे थे ना, तब जितने बच्चे पैदा हो गए वो आपकी टीम में है। ये लोग ने आज तक कभी युद्ध नहीं किए, आज तक कभी हथियार हाथ में नहीं पकड़ा है, और उस गांव में उस देश में जाना है राक्षसों के सामना करने के लिए। क्या कैलेब में अभी भी हिम्मत है, उसमें अभी भी हिम्मत है, किसके बल पर हिम्मत है उसका, अपने सैनिक के, अपने खुद के, कि प्रभु के वचन पे? हमारा कॉन्फिडेंस किस पे टिका रहता है, प्रभु के वचनों पर कि हमारे इंद्रियों पर? बोलने के लिए आसान है वचन, चिंता क्यों हो रही है? हालेलुया। तो यहां पर हमको प्रभु दिखा रहा है, फिजिकल एविडेंस सब नेगेटिव है, लेकिन फेथ फिर भी पॉजिटिव है। हमारे जीवन में जब फिजिकल एविडेंस नेगेटिव होता है तब हमारा कॉन्फिडेंस को एक कैसा रहता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो किसके जिंदगी में प्रभु मान कार्य करता है, किसके जीवन में प्रभु का मान कार्य दिखाई देता है, जो फिजिकल एविडेंस से चलता है या तो जो प्रभु के वचनों से चलता है? तो हमको क्या सीखना है, तो आज तक हमारा ट्रेनिंग किस पर है, इंद्रियों पे कि वचनों पर? इवन दो यू आर प्रेइंग सो मच सिस्टर, व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू यू, वरी, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, इनसिक्योरिटी, सो व्हाट्स योर रिलेशनशिप विद गॉड? Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. हमारे जीवन में भी कालेश बारने आता है। कैसे आता है? आप ऑफिस में हैं, सब लोग रिश्वत दे रहे हैं वहां पर, गवर्नमेंट ऑफिस है, और आप भी हैं, और वहां पे आप बोलते हैं मैं रिश्वत नहीं ले रहा,
आसान है, खास करके गुजरात की ट्रैफिक सब लोग उल्टा जाता है और आप घूम के जाते हैं, आसान है, सब लाल सिग्नल है, सब उड़ी मार के जाता है और आप वहां पे खड़े हैं और जो बाजू से जाते ना उंगली दिखा के जाता है, वहां समझे ना, हाँ गाली भी देता है, आसान है। ऑफिस में पार्टी होता है सैटरडे नाइट, शराब पीते हैं और आपको ऑफर करता है और आप बोलते हैं मैं क्रिश्चियन है, अरे क्रिश्चियन है आप शराब नहीं होते, और आप बोलते नहीं, आसान है। हमारे सबके जिंदगी में कालिश बार में आता है, क्या हम भी कालेब के जैसा एक जगह पे, जोशुआ और कालेब एक तरफ और लाखों आदमी दूसरे तरफ खड़े रहने तैयार है? जब हम खड़े रहते लोग हमको कितने कितने ताने मारते हैं। आपका प्रेयर रूम का कौन सा दिन रहता है? फ्राइडे, फ्राइडे नाइट को डिस्कुम 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 डिस्कुम, और आपको बोलता है सब लोग ब्रैंडन कॉलेज के फ्रेंड्स फ्राइडे नाइट कम ऑन ब्रैंडन लेट्स गो फॉर पार्टी मैन, अब ब्रैंडन बोलता है आज मैं चर्च जा रहा हूं, कम ऑन यार ब्रैंडन कम ऑन, आसान है। अगर हमको तुझे हमारे ग्रुप में रहना है तो हम लोग जो बोलते हैं वैसा करना है, वैसा रहना है, होता है, होता है, खास करके कॉलेज में। कादेश बारनिया, कादेश बारनिया हमारे सबके जिंदगी में आता है और उस समय हमको ये देखना है मेरा फैसला जोशुआ और कालेब का जैसा है कि मैं तुरंत बदलता हूँ, और अगर मैं बदलता हूँ तो उनका जैसा भविष्य मैंने भी उनके साथ मेरा भविष्य चुन लिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो हमने पढ़ा वो जरा लिख लीजिए, व्हाट डिड गॉड प्रॉमिस, लिखिए व्हाट डिड गॉड प्रॉमिस दिस लैंड, Why did God promise this land to Caleb and his descendants? Why did God promise this land to Caleb and his descendants? Answer: Because of his confession of faith, because of his confession of faith, and because he believed God, and because he believed God, ईश्वर ने कालेब और उसके वंश को किस लिए वो देश वरदान दिया, क्योंकि कालेब ने प्रभु के शब्द पर विश्वास किया, प्रभु के शब्द पर विश्वास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द 10 नॉट गेट द सेम प्रॉमिस, व्हाई डिड द 10 नॉट गेट द सेम प्रॉमिस, बाकी के 10 लोगों को वह प्रॉमिस को क्या बताया, वादा क्यों नहीं मिला, बाकी के 10 लोगों को वो वादा क्यों नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने
विश्वास नहीं किया क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन गॉड्स वर्ड. तो इसी तरह हमको भी वचन बाइबल में सबको एक ही है. हेलो, बाइबल सबके लिए एक है क्या अलग अलग है? एक ही है. लेकिन क्या सबके जीवन में एक ही सरीका होता है? प्रभु किसी का ज्यादा सुनता है, किसी का कम सुनता है. हाँ, लेकिन देखते हैं ना हम, किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है वचनों से. क्यों ज्यादा मिलता है? क्योंकि प्रभु उनके ऊपर पार्शियलिटी करता है. क्यों ज्यादा मिलता है? हेलो, क्यों ज्यादा मिलता है? हाँ, वो लोग उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं. और कुछ लोग पढ़ते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं करते. तो ज्यादा या कम किस पे निर्भर है? प्रभु पर कि हम पर? तो इतना टाइम प्रार्थना हमारा क्या है? प्रभु तू मेरा बात नहीं सुनता है. सुनना सुनना वो क्या बोलते हैं? विश्वास करना करना. हालेलुया. देखिए देखिए, मैं ये नहीं बोलता है आपको जाके किसी से बोलना मेरे लिए प्रार्थना करना गलत है. बाइबल में लिखा है, सही है. लेकिन आपने किसी को बोला मेरे लिए प्रार्थना करना, लेकिन आप किसान के जैसा मेहनत करके खुद के जीवन में विश्वास नहीं बढ़ा रहे, तो वो जो प्रार्थना कर रहा है वो प्रार्थना आंसर नहीं होगा क्योंकि आपने शॉर्ट सर्किट किया है. उदाहरण उदाहरण, प्रभु यीशु ने सबसे पहले प्रवचन किया कि चार प्रकार की मिट्टी है. पांच चार में कोई बीज जाके रास्ते पे गिरा, कोई पत्थरों में गिरा, कोई कांटों में गिरा और कोई अच्छे जमीन पर गिरा. प्रेज द लॉर्ड. वो समझाने के बाद प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बोला, चलो उस तरह जाएंगे. बीच में तूफान आया, तूफान को शांत किया. उस तरह गए तो एक आदमी था जिसको शैतान पकड़ा, उसको मुक्ति दिया, सारे दुष्ट आत्मा को सुअर में डाल दिया, सुअर से वो लोग सब समुद्र में गिर गए. प्रभु यीशु वापस आए, वहाँ से गए जायरस के घर पे. जाते जाते एक औरत को ठीक कर दिया जो रक्त की बीमारी में थी. जायरस का बेटी मर गई थी, जीवित हो गई. अभी इतना सब चमत्कार करके प्रभु यीशु अपने खुद के गाँव में आए नाज़रेथ. उन्होंने प्रवचन किया, क्या उधर उन्होंने चंगाई की? क्यों नहीं की? क्योंकि उनका मूड अच्छा नहीं था. बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है जीसस डिड नॉट. बाइबल में लिखा है जीसस कुड नॉट. क्यों? क्योंकि उनके अंदर अविश्वास था, अनबिलीफ था. तो इसका मतलब प्रभु यीशु का प्रार्थना काम नहीं कर रहा है? काम कर रहा है, लेकिन ये लोग ने खुद का फ्यूज उड़ा के बैठा. हिब्रूस चैप्टर 4:14, हमारे अपने एक महान पुरोहित हैं, अर्थात परमेश्वर पुत्र यीशु, जो ऊर्ध्व लोक को पार कर चुके हैं. इसलिए हम अपने विश्वास वचन में सुदृढ़ रहे. हमारे महापुरोहित हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी परीक्षा ली गई है. किसकी? प्रभु यीशु की. नहीं, हमारी हमारी. लेकिन प्रभु यीशु भी उसी तरह से परीक्षा में गए थे और वो पास हो गए. उन्होंने कोई पाप नहीं किया. उसके बाद इसलिए इसलिए क्यों? क्योंकि उस सिंहासन के बाजू में प्रभु यीशु बैठे हैं, वो हम हमारी परिस्थिति जानते हैं. इसलिए इसलिए हम के साथ पूर्ण भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं. हाँ, कैसे? अनुग्रह के सिंहासन के पास. हाँ, कैसे? आगे पढ़िए. जिससे हमें दया मिले
और हम वह कृपा प्राप्त करें। हाँ, तो सियासन के पास आना है क्या पाने के लिए? दया और कृपा। दया तो किसको मिलती है? दया किसको मिलती है? जिसने गलती की है। और तो दया किसको मिलती है? जिसने गलती की है। जिसने गलती नहीं की है उसको दया नहीं है क्या? हमने सबने गलती की है हमारे जिंदगी में, तो हमको सबकी वो दया की जरूरत है कि हाँ। और दया मिलने के बाद कृपा मिलती है। कृपा किसको मिलती है? जिसने गलती की है, जो उसका काबिल नहीं है उसको कृपा दी जाती है। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेस। ग्रेस किसको दिया जाता है? कौन से स्टूडेंट को दिया जाता है? जो फेल हो गया है, और फेल होने के बाद ग्रेस उसको क्या करता है? पास करता है। तो पहला, दया से मुझे क्षमा मिलती है और कृपा से मुझे आशीर्वाद मिलता है। और इस सियासन में कैसे आना है? भरोसा रखकर, कॉन्फिडेंस रखकर। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु वहां पे बैठे हैं अपने पिता के बाजू में, हमारे लिए विनंती कर रहा है। और वही गीत हम गा रहे हैं। जब ये गीत गा रहे हैं ना, ये सब वो फटाफट फटाफट आता है। जब वो बोल रहा है ले चल मुझे प्रभु के सिंहासन के पास, क्या पाने के लिए? दया और कृपा, क्षमा और आशीष। ठीक है, ले जा मुझे, ले जा मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले जा मुझे। I'm not afraid to die.
प्रभु के वचन को जो उनके सिंहासन पर मिलती है दया और कृपा, इस शब्द पर विश्वास रखकर हम खुद प्रार्थना करेंगे हमारे लिए, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं स्वर्गीय पिता के सिंहासन के बाजू में बैठे हैं। वह खुद इस धरती पर उनकी भी परीक्षा हुई है और उनकी बहुत कठिन परीक्षा हुई थी, तो वो जानते हैं कि कितनी मुसीबत है, कितनी कठिन है इस परीक्षा को पास करने की, और इसीलिए वो हमारे दुख को समझता है। और इसीलिए इंग्लिश में लिखा है, उनके सिंहासन पर कॉन्फिडेंस रखकर और हिम्मत से आओ, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे साथ है। और इस समय वो महान कार्य कर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जिनको कोई प्रकार की चंगाई चाहिए शरीर में, अब वहां से आ सकते हो। प्रभु यीशु, आपके सियासत पर ये वर आई है दया और कृपा पाने के लिए। प्रभु, आपकी दया और कृपा के द्वारा इनके आंखों में जो तकलीफ है, जिसे इनको दिखाई नहीं देता है, इसी समय प्रभु यीशु आपके नाम से ये आप खोल दो। प्रभु यीशु के नाम से आप इसी समय खुल जाए, और जो भी रुकावट है वो इसी समय आप बिल्कुल साफ हो जाए, बिल्कुल प्रभु यीशु के नाम से, ताकि ये घर आसानी से देख सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी और इस घर को इस बीमारी से मुक्त कर दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमेन, 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 आमेन। अपने आंखों को खोल के देखिए, क्लियर है, क्लियर है, साफ हो गया। कितने कितने समय से ऐसा बीमारी थी? 4-5 महीने से ये हाथ में उंगी है। लॉर्ड, इस कैटरेक्ट को इसी समय नाश कर दीजिए। जैसे पॉल के आंखों में उसको दिखाई नहीं दे रहा था, अनायस आया और कहने लगा, ब्रदर सॉल, अपनी चंगाई को स्वीकार कर दो प्रभु यीशु के नाम से। और उसी समय उसके आंखों से वो जो स्केल्स थे वो गिर गए और उसकी आँख खुल गई। इसी तरह मेरी बहन, प्रभु यीशु के नाम से अपने आँखों की चंगाई को स्वीकार कर दो। वो जो कैटरेक्ट हुआ है वो इसी समय नाश हो गया है और आप तक आँख बिल्कुल खुल गया है प्रभु यीशु के नाम से। आमेन। अभी आँख बंद करके देखिए, क्लियर, क्लियर है एकदम। प्रेज द लॉर्ड। आपको क्या हुआ है? सब ज्वाइंट पेन हो रहा है। बोलिए, प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रेम करता हूं। बोलते जाइए, आप बंद करो और बोलते जाइए, प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। प्रभु यीशु में आपसे प्रेम करता हूँ। ये जो पेड़ है, लेकिन
पैर है जोर से चलता है और जोर से और एक बार अभी है सर नहीं अभी ये पैर जोर से जोर से बस अभी अभी ऊपर नीचे करो ऐसा थोड़ा सा अभी है अभी मैं बोल नहीं किसने ठीक किया हेलो विषय Jesus, I love you. I love you. That a slight vision has come over your God who does complete vision. Jesus, I love you. Now? Much better? Yes. Half? Yeah. Little? Okay, doesn't matter. It is a progress in you. Okay? God bless you. Now what happened? That you can see,
up to the nose. Yeah. Okay, up to the nose. Love and thank you. And as we are clear on vision, Lord, the vision is more and more clear. That she can see more clearly, Lord. And I thank you, Lord. In the name of Jesus. I do not need to be here. Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus. In the name of Jesus. Now, can you see the mark? But much, much better than before. Yes. Father, in the name of Jesus.
और सब मुंह बंद ही रखना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और एक बार इससे तो फट गया। और एक बार और एक बार अभी क्लियर।
अरे माइक लगा दो भाई, किधर है?